तो साथियों, आज इनडेफिनेट इंटीग्रल की बिल्कुल आखिरी क्लास है। ये अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन का बिल्कुल आखिरी सेशन है, ऐसा आप कह सकते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल में। तो आज जो सोर्स मैंने कंसीडर कर रखा है वो बेसिकली फिडजी का जीएमपी है, ग्रैंड मास्टर पैकेज, जिसमें बहुत ही खतरनाक सवाल होते हैं। उन खतरनाक सवालों में से भी कुछ मैंने, एक आध सवाल तो आसान मिलेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन आपको काफी अच्छे मिलने वाले हैं। तो फटाफट से देर ना करते हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो बच्चे, फर्स्ट प्रॉब्लम आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, सारे क्वेश्चन मैंने कोशिश करी भाई इंटीजर टाइप या फिर न्यूमेरिकल डेसिमल टाइप के हों, जो कि जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो बच्चे फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए आप। ये इंटीग्रल कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, अल्फा एक्स पे पावर 6 बीटा एक्स पे पावर 4 प्लस गामा एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 अपॉन 18 प्लस सी। सो बेसिकली यू हैव टू इवैल्यूएट वैल्यू ऑफ मॉडुलस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। तो ये सवाल पढ़ने के बाद सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि देखो यहाँ पे तो जो बाहर ये पावर्स हैं ये मेंटेन है, राइट? तो बच्चे एक जुगाड़ लगाते हैं, यहाँ पे अगर इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करें, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, उस टी स्क्वायर माने, क्या कोई फायदा? नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। तो और क्या कर सकते हैं? अच्छा, अंदर इसके जैसा कुछ पावर बनाने की कोशिश करें, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2, 3, 6 आ रहे हैं, राइट? 2, 3, 6 आ रहे हैं, तो कुछ ऐसा यहाँ पे बने ताकि सारे न्यूमरल्स कॉमन आ जाए, मतलब जहां 2, 3, 6 है यहाँ पे सबके जगह सबके प्लेस पे आइडेंटिकल न्यूमरल्स हो जाए। तो बच्चे काम करते हैं, यहां से एक्स रूट के अंदर भेजते हैं, ठीक? तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल एक्स रेज टू दी पावर 5, क्योंकि मैं एक एक्स निकाल के इंटीग्रल के अंदर भेज रहा हूं बच्चे, प्लस एक्स। और जब बच्चे ये रूट के अंदर जाएगा एक्स, तो स्क्वायर बन के जाएगा, राइट? तो बच्चे यहां पे 2x रेज टू दी पावर 6 बन जाएगा, प्लस 3x रेज टू दी पावर 4 बन जाएगा लाल, प्लस 6x स्क्वायर dx हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं इस रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को मेरे बच्चे, यानी 2x रेज टू दी पावर 6 प्लस 3x रेज टू दी पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर को मेरे बच्चे अगर मैं t स्क्वायर मान लूं, फिर तो भाई मेरा काम तुरंत बन जाएगा। तो बच्चे अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं तो सब में से 12 कॉमन आएगा। यू कैन सी हियर x रेज़ टू द पावर 5 प्लस x क्यूब प्लस x dx, और मेरे लाल ये वैल्यू 2t dt के बराबर हो जाएगी, ठीक है? तो बच्चे अब देर किस बात की, यानी आप इस वैल्यू को मेरे बच्चे इसको और इसको रिप्लेस करेंगे 2t dt by 12 से, ठीक है बच्चे? तो 2t dt by 12 से इसे फटाफट हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो देखिए बच्चे, यहां पे क्या बनेगा अपने पास, इंटीग्रल यहां पे आप t स्क्वायर रखेंगे, t स्क्वायर का रूट बच्चे कितना होएगा, t इंटू 2t dt डिवाइडेड बाई 12। बच्चे अब इसको फटाफट से इंटीग्रेट करते हैं, तो यहां पे 1 डिवाइडेड बाई 6 आएगा लाल, इंटू टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 होएगा, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी। नाउ यू कैन सी हियर इट विल बी टी क्यूब डिवाइडेड बाई 18 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज सी। अब मेरे लाल, अब आप अपनी मंजिल के बिल्कुल पास खड़े हैं बच्चे, टी की वैल्यू कितनी होगी, रूट ऑफ दिस वैल्यू, राइट? यहां पुट कर देते हैं, यानी साथ ही ये बन जाएगा 2x पे पावर 6 प्लस 3x पे पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, 2x रेज टू द पावर 6 प्लस 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर, और मेरे बच्चे इस पूरे पे पावर 3/2 और अपॉन में आएगा बच्चे 18 प्लस सी। Now you can compare your right hand side. So from here you will get alpha equals to, alpha equals to, beta equals 3 and gamma equals 6, right? तुमसे पूछा क्या है, beta plus alpha minus gamma,
तो मैं सारी वैल्यू वापस रिवाइज कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या क्या वैल्यूज हैं। बीटा प्लस गामा माइनस एल्फा, तो बीटा प्लस गामा आप करेंगे तो 9 माइनस 2 7, यानी बच्चे 7 विल बी राइट आंसर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हुआ? 7। आगे चलते हैं लाल। भाई ये बहुत ही खूबसूरत और डरावना सवाल है, आप देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ साइन स्क्वायर 7x अपॉन साइन स्क्वायर x dx इक्वल टू सम ax प्लस सिग्मा i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन j लेस देन इक्वल टू 7। बेसिकली ये टर्म क्या बतलाता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने बाइनोमियल थ्योरम में ऐसे सवाल खूब कर रखे हैं, घने सवाल ऐसे कर रखे हैं, सी आई सी जे बच्चे, यहाँ पे आई 1 से बड़ा लेस देन जे एंड लेस देन इक्वल टू, अगर ऐसा लिखा जाए 7, तो इसका तात्पर्य ये है कि अगर आप आई की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो जे के पास पॉसिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी। तो बच्चे जे के पास पॉसिबिलिटी रहेंगी जे कैन बी 2, आई 1 है जे कैन बी 3, बट इससे छोटा नहीं हो सकता है, इस तरीके से C1 C7। फिर प्लस जब मैं आई को 2 ले लूंगा तो ये 3 से स्टार्ट होएगा, ये बात समझ गए। इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स टेकन टू एट ए टाइम, राइट। अगर आप C1 C2 लिखते हैं कभी आप C2 C1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे, इसका ये मतलब है। तो ये वाली बात यहाँ लिखी हुई है। तो देखो बच्चे यहाँ मैं डिटेल प्रूफ में तो नहीं जाने वाला, मैं बस आपको बतला देता हूँ, ये बात आप याद रखिए। वैसे मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना रखा है इसके प्रूफ पे, तो आप वहां से इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। इसका प्रूफ जो मैंने मतलब जिस सोर्स से लिया है वो है 100.01 नाइस प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री, 100.03 नाइस प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो बच्चे मैं अभी इंटीग्रेट करने की बजाय मैं इस आइडेंटिटी को एक्सपैंड करके लिख देता हूं, तो साथ ही ये वाली वैल्यू बराबर होती है एन प्लस 2 टाइम्स सिग्मा कॉस 2 टाइम्स जे माइनस आई, आई इज ग्रेटर देन 1 लेस देन जे लेस देन इक्वल टू एन, इसके बराबर ये वाली वैल्यू बच्चे आती है। तो इसका मतलब ये सवाल तो भाई कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन में ज्यादातर सवाल आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आप फंसेंगे तो किसकी वजह से, इसके कारण फंसेंगे, वो कारण होता है बच्चे रीअरेंजमेंट, आप रीअरेंजमेंट की वजह से फंस जाते हैं कई बार। तो साइन स्क्वायर 7x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, सो नाउ यू कैन सी हियर, यू कैन राइट हियर बेसिकली 7 प्लस 2 टाइम्स सिग्मा I is greater than 1 less than j less than equal to 7 cos 2 times j minus i, आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली यू हैव टू इंटीग्रेट दिस वन, आपको इस पूरी क्वांटिटी को बच्चे इंटीग्रेट करके लिखना है, ठीक है, आपको इस पूरी क्वांटिटी को बच्चे इंटीग्रेट करके लिखना है। तो साथ ही इसका इंटीग्रल बहुत ही आसान सा है, आप जानते हैं इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे 7x आएगा, यहां पे क्या आने वाला बच्चे 7x प्लस, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन सिग्मा के अंदर चला जाएगा, आप इंटीग्रेट करके लिख लिए 2 और 2 कट जाएंगे, तो 2 टाइम्स मतलब जो नीचे 2 आने वाला है, मैं एक्स्ट्रा बोल गया, x यहां पे x भी होएगा, ठीक है, अपॉन j माइनस आई। बार मैं क्वेश्चन में देख लेता हूं मैंने j लिखा x लिखा है कि नहीं लिखा है, Yes, लिखा हुआ है, ठीक है। और बच्चे यहां पे आप लिखेंगे आई इज ग्रेटर देन 1 लेस देन जे लेस देन इक्वल टू 7 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो अब आप देख सकते हैं बच्चे आपसे पूछे किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी होगी लाल, ए की वैल्यू होगी 7, ठीक है। तो आप ये वाली आइडेंटिटी होपफुली अब याद रखेंगे आगे से। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो बच्चे ये बहुत ही एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ साइन कॉस में बदलने से फायदा होगा नहीं। अच्छा, अगर मैं टेन थीटा को टी मान लूं, कॉमन सेंस यही स्ट्राइक करता है, टेन थीटा को टी मान लिया जाए, तो यहां पे एज्यूम करते हैं लेट टेन थीटा इक्वल टू टी, लेट टेन थीटा इक्वल टू टी, तो बच्चे सिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा डी टी। तो अब साथ ही आप डी थीटा की जगह पे डी टी अपॉन सिकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है लाल। तो ये बनेगा इंटीग्रल टी अपॉन
टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, और बच्चे यहाँ पे डी थीटा के प्लेस पे डी टी अपॉन सिकेंट स्क्वायर थीटा आएगा, तो इट विल बी डी टी अपॉन सिकेंट स्क्वायर थीटा कहे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी वन प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जो डिनोमिनेटर में लिखी गई क्वांटिटीज हैं बच्चे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसको आप फर्दर इस तरीके से लिख सकते हैं पूरे कंप्लीट इंटीग्रल को, इंटीग्रल टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन माइनस टी स्क्वायर प्लस वन डी टी अपॉन, ये पूरी बड़ी सी कहानी। तो बच्चे जैसे आप इसको डिवाइड वाइड करेंगे यहां से, तो यहां पे वन प्लस टी स्क्वायर बचेगा क्योंकि टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन वगैरह क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो बच्चे यहां पे चलते हैं, यानी सिंपली यू हैव टू इंटीग्रेट डी टी बाई वन प्लस टी स्क्वायर माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन। तो बच्चे ये फर्स्ट वन तो बहुत ही आसान सा इंटीग्रल है, इट इज बेसिकली टेंजेंट इनवर्स टी, यहाँ पे आप कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह बना लो तो ये ऐसा बन जाएगा डी टी अपॉन, भाई बहुत ही लड्डू सी बात है ये, t प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, बच्चे ऐसा कुछ बनेगा। नाउ यू कैन सी हियर इट विल बी टैन इनवर्स t माइनस, तो बच्चे वन डिवाइडेड बाई a आप करेंगे, वन डिवाइडेड बाई क्या करेंगे आप a करेंगे, तो क्योंकि dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल लिखना है, वन बाई ए टैन इनवर्स x बाई a होता है, तो यानी ये टू डिवाइडेड बाई रूट थ्री होगा, और टेंजेंट इनवर्स 2t प्लस 1 अपॉन रूट थ्री होएगा प्लस c। अब बच्चे t की वैल्यू आप यहां रख दो, तो tan इनवर्स tan थीटा माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट थ्री tan इनवर्स 2 tan थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट थ्री प्लस c। अब बच्चे tan इनवर्स tan थीटा यू नो ये कभी थीटा होता है कभी थीटा प्लस पाई थीटा माइनस पाई, इस वे में आप लिखते हैं, तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन में यहाँ पे थीटा लिख दूं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तो जो पाई है वो कांस्टेंट के साथ चला जाएगा, राइट, सो डोंट वरी। बहुत सी बुक्स में इन सब बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते वो tan इनवर्स, बट इस बात का ध्यान रखना चाहिए भाई tan इनवर्स tan थीटा लिखा हुआ है तो इनवर्स की मर्यादा का पालन होना चाहिए प्लस। अब बच्चे आपसे क्या पूछा हुआ था, ये वैल्यू टू बाई रूट ए है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई लाल, ए की वैल्यू थ्री आ गई, आपसे पूछा क्या था ए डिवाइडेड बाई टू, तो ये 1.5 होगा। चलिए बच्चे इस पे आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, तो आप देख सकते हैं बड़ा सा इंटीग्रल लिखा हुआ है साइन ए एक्स अपॉन बी प्लस साइन सी एक्स अपॉन डी, इन दिस वे लिखा हुआ है। आप ऐसे केस में, अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री सिखाने तो नहीं जा रहा हूं, आप ये बात पहले फील कर लीजिए, अगर कभी भी ऐसा इंटीग्रल लिखा हुआ नजर आए, मतलब सम कॉस ए एक्स प्लस कॉस बी एक्स अपॉन माइनस वन प्लस समथिंग इन दिस वे, तो आप ये देखेंगे कि ये 24 और जो 15 जो कॉस के आर्गुमेंट्स लिखे हुए हैं इनको आप ऐड करके 3 से डिवाइड करो, कितना आता है 13, वो इसके बीच में लिखा हुआ है, ठीक। तो जब भी कभी ऐसा फॉर्मेट तुम्हें लाल नजर आए कॉस ए एक्स प्लस कॉस बी एक्स अपॉन माइनस वन प्लस, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को ऑलमोस्ट ये वाली बात सिखा देता हूं वहीं पे, ऐसे केस में आप यहां ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हैं, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सी प्लस डी वगैरह लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं सीधे बता देता हूं क्या आएगा। तो ऐसे केस में आप इसका जो आउटकम लिखेंगे दैट विल बी कॉस, इस ए में से इसको माइनस करेंगे आप a माइनस सीधे, भैया ये बहुत बार ऐसा सवाल देखा गया भाई, प्लस cos b माइनस
फिर तो बच्चे ये सवाल खत्म ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे लिखना होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आता, अगर मैं इस इंटीग्रैंड को ब्रेक करता, अगर बच्चे मैं इस इंटीग्रैंड को ब्रेक करता तो इंटीग्रल क्या बनता यहाँ पे, यहाँ पे इंटीग्रल क्या बनता बच्चे, इंटीग्रल बनता कॉस 24 माइनस 13 आप करेंगे कितना आएगा 11, 11x प्लस 15 माइनस 13 करेंगे तो कॉस 2x। तो अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा बच्चे, साइन 11x बाय 11, मैं लिख देता हूं भाई, साइन 11x बाय 11 ऐसा कुछ आएगा, प्लस 2x को आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं साइन 2x बाय 2, तो ए बी सी डी आप देख सकते हैं कितना होगा भाई, 11 प्लस 2 प्लस 2 तो 22 और फिर 4 26, 26 विल बी राइट आंसर। अब देखो बच्चे एक बात यहां और एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर ऐसा कभी फॉर्मेट नजर आए तो इन दिस वे cos ax माइनस cos bx और बच्चे अपॉन में लिखा गया नजर आए ऐसा कुछ 1 प्लस 2 cos a प्लस बी बाय 3, आगे मैंने इसको भी सवाल दे रखा है बाय 3x, तो इसको आप क्या लिखेंगे, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है बस, cos a माइनस ए प्लस बी बाई 3 प्लस cos बी माइनस, यहां पे गलती करके यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये आइडेंटिटी याद रखेंगे, ठीक है, ऐसा फॉर्मेट आता है। तो बच्चे अगला सवाल मैंने लिखा, बहुत सीधा सवाल है, 2021 में आपका पेपर होने वाला है, तो अगर आप 2021 और इस यहाँ पे 1 है इसको आप ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं तो चेक कर लीजिए भाई 674 मिलना चाहिए, तो कितना आएगा 2022 आ जाएगा, अपॉन 3 आप कर रहे हो तो 674 आ जाएगा, राइट। तो इसका मतलब जो आपको इंटीग्रेट करना है वो ऐसा बनेगा, इंटीग्रल कॉस 2021 माइनस कॉस 1 माइनस तो बच्चे मुझे लगता है ये इंटीग्रेट करने में आपको समय लगेगा नहीं, तो इसको आप माइनस करके इंटीग्रेट कर लो, आप मंजिल पे फटाफट पहुंच जाओगे। ठीक है, ये मैंने सवाल ऐसे ही बना दिया था अपनी तरफ से, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये एक बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी होगी, इसका नाम है ड्रिकिलेट कर्नल या ड्रिचिलेट स्पेलिंग बस सही कर लेते हैं, सी एच एल ई टी ड्रिकिलेट कर्नल। तो ये काफी यूज में आते हैं इंटीग्रेशन में, बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है, रिकमेंडेशन यही है आप इसे याद रखें, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x। आप इसको प्रूफ बहुत प्यार से कर सकते हैं, इस पे मैंने ड्रिकलेट कर्नल पर वीडियो अलग से बना रखी है, आप देख सकते हैं वहां पे 2 साइन, तो बच्चे ये वैल्यू आती 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सिग्मा कॉस आई एक्स आई इक्वल टू 1 टू n। प्रूफ कैसे करेंगे, राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर लो, तो कॉस में जो एंगल्स हैं वो एपी में चल रहे हैं, तो cos अल्फा प्लस बीटा टू cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा कितना होता है, sin n बीटा बाय 2 अपॉन sin बीटा बाय 2 इनटू cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाय 2, आप वहां से कर लेंगे। ठीक है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। तो अगर आप इस फॉर्म इसको ब्रेक करते हैं तो इस इंटीग्रल को बच्चे आप लिख पाएंगे, 15 बाय 2 लिखा हुआ है इंटीग्रल, यानी ये लिखा हुआ है sin 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x और अपॉन में लिखा हुआ 2 साइन एक्स, अपॉन में साइन एक्स बाई 2 सिंपली लिखा हुआ, राइट। तो अगर मैं ऐसा लिखता यहां पे साइन 7 प्लस 1 बाई 2x, तो मैं 2 को ऑलरेडी, क्योंकि यहां पे फॉर्मूले में क्या था 2 साइन एक्स बाई 2, अगर आप गौर करें तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दे रहा हूं राइट हैंड साइड में,
तो बच्चे 1 बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 टाइम्स सिग्मा कॉस आई एक्स आई इक्वल टू 1 टू 7, ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब भाई इसको तो इंटीग्रेट कर पाना बहुत ही आसान है। तो सिंपली तौर पे अपन किसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट हैंड साइड को, तो भैया आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन कहे तो इसका इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 7 कॉस आई एक्स डी एक्स। तो बच्चे इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए यहां से, x प्लस 2 टाइम्स साइन आई एक्स अपॉन आई आएगा और सिग्मा आप लगा लो आई इक्वल टू 1 टू 7 प्लस। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय।